राजसमंद जिला देश में सबसे अधिक मार्बल प्रोडक्शन करने वाला जिला है, लेकिन आज राजसमंद जिले की मार्बल व्यवसाय से जुड़े विभिन्न एसोसिएशन ने जिले के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मार्बल व्यवसाय से जुड़ी 6 प्रमुख संगठनों ने आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान के साथ ही सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिला मार्बल गैंगसा एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शर्मा ने बताया कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, केसरिया जी में किसी भी ट्रांसपोर्ट की दरें निर्धारित नहीं है। रोजाना की रेट मांग और आपूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है, लेकिन राजसमंद जिले में ट्रक एसोसिएशन द्वारा अन्य जिलों के मुकाबले करीब 500 रुपए टन अधिक वसूली की जा रही है, जिससे व्यापारी राजसमंद जिले की बजाय मार्बल खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। मार्बल व्यवसायी गोविंद सनाजी ने बताया कि अन्य जिलों में मार्बल की लोडिंग सस्ते में हो रही है। मार्बल खरीददार राजसमंद के साथ ही अन्य जिलों से भी मार्बल खरीदता है। ऐसे में बाहर से आने वाली ठेकों से चालक के साथ स्थानीय ट्रक मालिक मारपीट करते हैं और उनसे जुर्माना वसूलते हैं। ऐसे में व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पिछले 1-1.5 साल से जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन की हमारे 2 सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, गुजरात महाराष्ट्र की समस्या आ रही है और मंडियों से हमारे यहाँ से महंगा लगता है, किशनगढ़ से भी महंगी यहाँ से गाड़ियाँ लग रही है। हमारा जो मेन कोर सेक्टर जो सप्लाई का मार्बल ग्रेनाइट का है वो गुजरात महाराष्ट्र ही है, तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की रेटें महंगी और मनमानी करने की वजह से हमारा ये मार्केट खत्म होता जा रहा है और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे मंडियों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम ज्ञापन देने हैं कि और बाहर की गाड़ी वो लगने नहीं देते, अगर गलती से बाहर की गाड़ी लग जाती है तो उसके साथ मारपीट करते हैं और मनमाना उससे शुल्क वसूलते हैं और उसको डराते धमकाते हैं। सर, हमने इससे संबंध में पहले 2-3 बार हमारे साथ ये मैटर चल रहा है, पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, तो उसके अंदर हम लोगों ने उनके साथ 3-4 मीटिंगें करके और ट्रेडर असिस्टेंट सबके साथ में समझाने की बहुत कोशिश की। कल भी हमने 5 घंटे मीटिंग करी, यहाँ तक उनको ऑफर दिया कि 3 महीने के लिए आप कर लीजिए, हमें लोकल से किसी से परहेज नहीं है, लोकल गाड़ियाँ लगे, पर वो किसी भी बात पर अड़िगी रहे और वो उसके लिए माने नहीं। तकलीफ सिर्फ ये है कि जब बाहर की गाड़ी हम लगाते हैं तो लोकल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन बना है, उनकी ये दादागिरी है कि हम हमारी गाड़ी लगाएंगे। हमको उनकी गाड़ी लगाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन चित्तौड़ और उदयपुर के तुलना में हमारे यहाँ का भाड़ा होना चाहिए। आज उदयपुर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, उदयपुर से बॉम्बे गाड़ी जा रही है 1700 रुपये में प्रति 10 टन प्रति टन, और राजसमंद 60 किलोमीटर दूर है, यहाँ से जा रही 2500 रुपये टन। तो ग्राहक हमारे उदयपुर से माल खरीदने लग गए, यहाँ भाड़े की वजह से आना बंद हो गए। हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी दादागिरी पे उतरे हुए हैं, मारपीट करने को तैयार हैं, बाहर की गाड़ियों के ड्राइवरों को मार रहे हैं, 11-11 हज़ार रुपये उनसे जुर्माना ले रहे हैं। तो हमने ये रणनीति बनाई है कि हम जो भी गाड़ी सस्ती लगेगी बाहर की आए चाहे लोकल हो, जो सस्ती लगेगी उसको लगाएंगे, और अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हम पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हैं, इसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं।